पर्ल थोड़े से आगे जाए, पर्ल 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 का मतलब होता है हमारे सिस्टम में एक महीने का 10 लाख का टर्नओवर और इनकम होती है समथिंग 50,000। तो आज समय का अभाव है, गर्मी भी है, तो मैं इनको ये माइक्रोफोन जरूर दूंगा। और नाम कहां से है और इस आरसीएम से पहला छोटा इनकम कितना आया था और बड़ा इनकम क्या आया है और अभी एक एनिवर्सरी आने वाली है कंपनी की, उसका आपका टारगेट क्या है? नाम राजेंद्र शर्मा और जीन से बिलोंग करता हूं, पेशे से एडवोकेट हूं। पहला चेक जो आया था वो लगभग 400-500 का एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन पर्ल का बनने के बाद जो पहला चेक आया था वो था 59,000 का। एनिवर्सरी में डेफिनेटली पिन बदल के एज ए स्टार पर वहां पर मैं मौजूद रहना था। नाम संजय कुमार फ्रॉम बिहार से, और इस बिजनेस से पहले फैशन डिजाइनर। और पहला चेक की बात किया जाए तो 498 रुपया और सबसे हाईस्टली चेक 1,07,000 और टोटल इनकम 70 लाख से ज्यादा। हाँ, टारगेट और बिहार से है तो वैसे भी हमारे मेहमान एक बार वेलकम तो होता है। तो बात करें तो अगला टारगेट मेरा स्टार पर गारंटी है। थोड़ा सा बैक हो जाए, स्टार पर आगे आ जाए प्लीज। बहन जी हमारे बीच है, आप आगे आए पहले, महिला फर्स्ट। यस, तो एक बार मैं मैडम को ये माइक्रोफोन दे रहा हूँ, एक बार फिर आपकी जोरदार ताली। थैंक यू। इस सिस्टम की जिस टाइम मैं शुरुआत करी पहला ही चेक मेरा 316 रुपए और सबसे हाईएस्ट चेक 1,27,000। और इस सिस्टम की ताकत जब मैं समझी, मेरे को प्लान दिया गया रोल्टी, तो मैं एक ही मंथ में रोल्टी अचीवर बनी, एक ही मंथ में। अगले मंथ में 3 रोटियां और 2 लीडरशिप मेरी अपनी टीम में निकाल दी थी। बहुत तूफानी से मैं काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इस सिस्टम को जब मैं स्टार्ट किया, मेरे को लगता था कि इस सिस्टम की मेरे को जरूरत नहीं है, क्यों, मेरे पास सब कुछ ही है, किसी भी चीज की कमी नहीं, बहुत कुछ। तो अब इतना कुछ होने के बावजूद भी ये सिस्टम सारी चीज के ऊपर भारी है। और मेरा टारगेट किसी 2 मंथ बाद स्टार पटल का होगा, फाइनल है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। 2 शब्द चलते हैं समाज में, एक पुरुष और एक स्त्री। और कहा जाता है एक मर्द शब्द है जो पुरुष वर्ग के साथ जोड़ा गया है, मानते हैं साहब? या स्त्री वर्ग के साथ है, पुरुष वर्ग के साथ है। पर मैं अगली लाइन जो कह रहा हूं उसको और ध्यान से सुनना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत साल पहले मर्द शब्द को रानी लक्ष्मीबाई के आगे किसी ने लगा दिया। इसका मतलब ये वर्ग से पहचान नहीं है मर्द की, ये काम से होती है। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के आगे इसलिए लगाना पड़ा, वो 20 किलो का भाला लेके 20 किलो के बच्चे को पीठ पे लाद के दुश्मनों को धूल चटा देती थी। तो किसी ने कहा इसके आगे मर्द शब्द लगाओ। तो मैं मैडम के उत्साह और जनून को देख के आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ। घर जाना, कमरे में आईना लगा हुआ होता, शीशा, कांच, क्या बोलते हैं उसको, शीशा, उसके सामने खड़े होना और उस शीशे से पूछना, मर्द शब्द को अपने साथ रखू और वो जैसा जवाब दे फिर आप वैसा काम कर। एक बार तालियां बनती है। स्टार पर्ल का मतलब होता है यहाँ इनका टर्नओवर 20 लाख से शुरू होता है और ये कितना भी हो सकता है, 30-35 लाख, 38 लाख। तो आपसे भी नाम कहां से है, छोटी इनकम और आरसीएम की बड़ी इनकम और टारगेट। आरसीएम, नाम रामविलास रामू जी, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर से पाकर से यहाँ से हूँ।
और जन्म धरती डिस्ट्रिक्ट गोंडा यूपी से हूँ, कर्म धरती पंजाब से। ये बिजनेस भी हमें पंजाब से मिला था। दोस्तों पहला चेक जो था 1021 रुपए का, हाईएस्ट चेक 68,000 रुपए का, टोटल इनकम 39,00,000 से ज्यादा। थैंक यू। दोस्तों पहले इनकम खरीदारी से 247 रुपए, मेहनत की स्टार पल की सबसे बड़ी इनकम 73,000 रुपए और टोटल इनकम 55,00,000 रुपए मेरे को मिली। दोस्तों जिंदगी के अंदर इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आप भी महसूस करोगे। कभी सोचा नहीं था दोस्तों भाई ये ऐसी भी जिंदगी होगी, कभी नहीं सोचा था दोस्तों, क्योंकि मेरे पारिवारिक लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, जान पहचान वाले बैठे हैं, कभी नहीं सोचा था दोस्तों ड्यू टू आरसीएम बिजनेस पूरा हुआ। जी आसिम, नाम गुरुदेव सिंह कुरुक्षेत्र से, पिछले 2 साल से सिस्टम में हूँ। पहली इनकम 2275 रुपये, पिछले 2 साल से अगर हाईएस्ट की बात करें 1,02,000 रुपये। कैथल की गलती है, पिछली बार बोला था रूबी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, ये पहली इनकम 500-700 ही आई है। Yes. यही आदमी को डाउट होता है। एक आदमी ने मेरे से पूछा, जब इतना बड़ा सिस्टम है, इतने लोग भारत में, सब कुछ देता है, ये पहली इनकम बड़ी क्यों नहीं देता? दे सकता है, देता नहीं, क्योंकि अचानक आई हुई खुशी, अचानक आया हुआ गम आदमी को बर्दाश्त नहीं होता। ये नेचर है। आप अचानक किसको बहुत बड़ी खुशी दे दो, अचानक बहुत बड़ा गम दे दो, तो हम क्या कहते हैं भाई इसको किसी ने ऐसी सूचना दी, सोते ही। इसलिए सहनशीलता बढ़ती जाए, देखना 416,000, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, फिर लाख पे ले जाता है। ये पहला चेक किसी को इसने लाभ का नहीं दिया आज तक के मेरे इतिहास में। क्लियर करें थोड़ा पिक्चर। Yes. एक आदमी था हार्ट का पेशेंट, गांव का रहने वाला था, बड़े गरीब। एक दिन डॉक्टर से दवाई लेने गया शहर में, तो वहां लाइन देखी लगी हुई, तो लोगों ने कहा ये क्या है? तो बाबूजी बोले बड़े देर से लग रहे हैं लोग। तो एक आदमी ने कहा ये लॉटरी का टिकट मिल रहा है यहाँ 1 रुपए का, हर 1 करोड़ की लॉटरी लगती है। उन्होंने कहा 1 रुपए में 1 करोड़ लगी है किसी को? बोले लगती है, किसको लगेगी ये पता नहीं। तो बाबूजी ने सोचा यार 1 रुपए की तो मामला है, खरीद लिया टिकट, दवाई लेके चले आए। अब योग से पता नहीं उनका ही खुल गया। अब उस टीम ने ढूंढा वो आदमी, तो पता लगा वो आदमी तो उस गांव में रहता है। अब वो टीम गांव में आ गई 1 करोड़ रुपए लेके। तो गांव वालों से पूछा भाई ये संजय नाम का व्यक्ति रहता है इस गांव में? बोले काम बताओ। बोले काम क्या? 1 करोड़ देना। बोले गलती से मत चले जाना, गरीब आदमी है, दिल का मरीज है, सुनते ही निकल जाएगा। और निकल गया तो घर वाले तुम्हारे नाम की रिपोर्ट डालेंगे कि हमारा अच्छा खासा आदमी मार डाला। तो एक काम करो, देना ही है तो इसके घर वालों को दे दो, चुपचाप इसको बताना मत। तो कंपनी ने कहा रूल है, उससे एग्रीमेंट पे साइन कराने हैं, उसको बताना पड़ेगा तुम्हारा 1 करोड़ है, फिर वो जिसको चाहे उसको दे। उन्होंने कहा तो चक्कर में मत पड़ो, तुम एक काम करो, इस जिस डॉक्टर से ये इलाज कराता है उस डॉक्टर से मिलो, वो जानता है इसके बारे में, इसकी कितनी ताकत है, क्या करना चाहिए। वो टीम चली गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब जिसका आप इलाज करते हो उसका 1 करोड़ का लॉटरी है और ये उसको देना है, तुम बताओ क्या करना चाहिए। डॉक्टर बोलता तुम मेरे को दो और मैं एग्रीमेंट पे साइन करके देता हूँ उसको, ये पैसा मैं मेरे हिसाब से दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके, मैं जानता हूँ वो कहां तक सहन करेगा। डॉक्टर को 1 करोड़ दे दिया, कंपनी ने साइन करा लिया और वो डॉक्टर 1 करोड़ लेके गांव में आ गया बाबूजी के, संजय जी। आके बोलता है संजय एक बात बताओ, कभी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? संजय बोला डॉक्टर साहब सुबह सुबह भंग पिया है। अरे बोला नहीं मान लो, अब डॉक्टर को तो पता था लगी है, मान के लो, अब उन्हें तो तैयार करना था उसे, तो वो भी खुश हो गया। संजय बोला हाँ हाँ चलो लग गई, लग जाएगी तो ऐसा करेंगे डॉक्टर साहब, हमारे गांव में किसी ने मोटरसाइकिल नहीं लिया, अपन पहला मोटरसाइकिल लाएंगे। डॉक्टर साहब को लगा काम स्टार्ट हो गया। अब अगला फायदा पहुंचना गांव तक है 1 करोड़। तो डॉक्टर साहब ने कहा कभी 5 लाख की लग जाए तो? संजय
संजय बोला चलो डॉक्टर साहब तुम कह रहे हो लग गई तो फिर बाइक कैंसल, फिर कार लाएंगे, इस एरिया में किसी के पास कार नहीं है। डॉक्टर साहब को लगा काम स्टार्ट हो गया। अगले पायदान की बात करो, क्योंकि उन्हें जाना था 1 करोड़ तक। उन्होंने फिर कहा अगर संजय 25 लाख की लग जाए तो उन्होंने कहा एक शहर में घर लूंगा जो आज तक किसी गांव वालों ने नहीं लिया। डॉक्टर साहब को लगा काम स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा संजय अगर 50 लाख की लग जाए तो संजय बोला फिर कुछ भी कैंसल नहीं, सभी ले लेंगे जब 50 आ ही जाएगा। अब डॉक्टर साहब को लगा अब टेंशन नहीं है, बता दो ओरिजिनल फिगर। डॉक्टर साहब बोले संजय अगर 1 करोड़ की लग जाए तो संजय सोच के बोला डॉक्टर साहब अब कुछ बचा नहीं, सब हो गया अपना, ऐसा करना अगर 1 करोड़ की लगी 50 तुम ले लेना। डॉक्टर साहब को अटैक आ गया। अचानक ही मिले ना कुछ कारण। तो ये आरसीएम इसीलिए धीरे देता है, बहुत लोग मेरे से कहते हैं।